देखा है कि मीडिया जो होती है वो जनता की आवाज बनकर काम करती है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो घर में हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था कि घर वालों के जितने भी वो खुलकर सामने नहीं आते, उनकी बातें सामने रखी जाती, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। तो क्या लगता है उस चीज से जनता क्लियर नहीं हो पाई कि अब रजत शर्मा की अदालत यहाँ पर लगने वाली है, वो यहाँ पर खोलने वाले हैं? ये तो काम ही होता है जिनके ऊपर सवाल दागे जाते हैं, वो कैसे भी करके घुमा फिरा के अपने आप को सेव करना चाहते हैं। वहीं जब रजत शर्मा की अदालत लगने वाली है घर के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें खुलने वाली हैं। और जिस तरीके से रजत शर्मा उनके ही आंसर से, उनके सवालों में वो बार बार फंसा देते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ सच्चाई निकल आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि घर में आते हैं वो सबसे पहले तो सलमान खान पे वार करने वाले हैं। सलमान जैसे शो में देखा गया है, बार बार ऑब्जेक्शन भी कई लोगों ने उठाया इस पर कि सलमान बाहर की बातें करते हैं, रिलेशन को लेके बार बार अंदर चीज़ें कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे रजत शर्मा बोलते हैं कि तुम मतलब क्यों बार बार, जैसे हिमांशी आई थी वो अपनी मर्जी से, चाहे बेशक उनका रिश्ता जो भी रहा हो, फिर भी तुम आसिम को ब्लेम कर रहे थे। आसिम और पारस सभी का नाम लिया था सबका, और जैसे हाँ पारस का भी बोला कि पारस की भी गर्लफ्रेंड का तुमने बोला, फिर वहाँ तुमने सिद्धार्थ और शहनाज की जो सबको उनकी जोड़ी बहुत पसंद है तो उनको भी आपने अलग करने की कोशिश की। तो आप चाहते क्या हैं, क्या मतलब आपका घर नहीं बस रहा है तो आप दूसरों का भी नहीं बसाना देने? तो ऐसा उन्होंने बोला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो तो उनसे थोड़े मजाक में बोल रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मजाक में वो सारी चीज़ें ऐसे बोल जाते हैं जो उन्हें पूछना होता है। और ये लोग भी ये क्वेश्चन उठा रहे थे कि क्यों बार बार घर की बातें जो मतलब बाहर की बातें घर के अंदर बोली जा रही हैं, इससे उनका गेम वीक हो सकता है। यहाँ तक कि जैसे पारस का हुआ भी था कि आकांक्षा की जब बात घर के अंदर की गई तो कहीं ना कहीं पारस थोड़े मतलब सैड हो गए और वो अपने गेम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। वहीं जब हिमांशी वाली बात सलमान ने छेड़ी थी तो उस टाइम पे भी जो आसिम मतलब उन्हें लग रहा था कि शायद मेरी वजह से हो गया या मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी थी, तो वो खुद को भी गिल्ट फील कर रहे थे। वहीं सिद्धार्थ को जब इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी और मतलब ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे, उसके बाद भी जब सिद्धार्थ को सलमान ने ऐसी चीज़ें बोली कि उससे थोड़ा अलर्ट रहो, मतलब सेफ रहो, और उन्हें वार्न किया था कि ज़्यादा क्लोज मत हो क्योंकि हो सकता है आपको बाहर नुकसान हो जाए इस चीज़ का, तो वो कहीं ना कहीं सना को बार बार ये चीज़ें बोलते हुए नज़र भी आए थे कि हो सकता है बाहर मैं तेरा कॉल ना उठाऊँ या हम ना मिल पाए, मैं बिज़ी रहूँ या तू बिज़ी रहे, तो उस चीज़ को बार बार वो बोलते नज़र आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सलमान ने जो चीज़ें बोली हैं वो कहीं ना कहीं जो सिद्धार्थ का था उनके गेम में जो उनका फोकस है वो कहीं ना कहीं अलग होता है, क्योंकि शहनाज का तो अटैचमेंट ही सिद्धार्थ शुक्ला का गेम सारा उन्हीं के आसपास रहता है और पूरे दिन वो उन्हें मनाती हुई नजर आती है। लेकिन अगर इस तरीके से सिद्धार्थ उनसे दूर जाएंगे तो सना वीक पड़ सकती है, वो बोलती भी है इस चीज़ को। तो मुझे ऐसा लगता है कि सलमान जो है ये हो सकता है मेकर्स के बोलने पे कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ें थी कि वो बाहर की बातें उठाते थे और ऐसा किसी भी सीजन में नहीं हुआ, इसी वजह से रजत शर्मा ने क्वेश्चंस पूछे वहाँ। और जब सलमान से उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया तो घर वालों को मुझे नहीं लगता वो बख्शेंगे और घर वालों के जमकर क्लास लगाने वाले। एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलने वाला हूँ कि जिस तरीके से अभी इन्होंने बताया दर्शिका ने कि सलमान खान को भी आपकी अदालत के क्वेश्चन अखड़े में आना पड़ा और उनसे रजत शर्मा ने सवाल पूछा, लेकिन जिस तरीके से सवाल रजत शर्मा ने पूछे बहुत ही फनी वे में पूछे, के जवाब भी सलमान ने बहुत फनी वे में दिए। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि तुमने सिद्धार्थ और शहनाज के लिए चीजें बोली और हिमांशु पार उनके लिए चीजें बोली, तो सलमान ने सीधा बोला कि जब मेरा रिश्ता नहीं है, मेरा खुद का कोई रिश्ता नहीं तो मैं किसी का क्यों रिश्ता बनने दूं। तो कहीं ना कहीं सलमान इसको बहुत फनी वे में ले गए, उन्होंने जवाब भी बहुत फनी वे में दिया और जो रजत शर्मा थे उन्होंने भी बहुत फनी वे में उनसे क्वेश्चन पूछा था। तो मुझे नहीं लगता कि सलमान की उस तरीके से फटकार लगाई जिस तरीके से घर वालों की फटकार लगेगी। मेरी बात यह है कि अब चाहे वो मजाक में बोले या हंसी मतलब कहते हैं ना हंस हंस के सारी बातें बोल देना, तो रजत शर्मा की क्वालिटी है कि वो बहुत ही मतलब आसानी से वो चीजें उस तरीके से बोल देते हैं। और उन्होंने अपना क्वेश्चन तो पूछ लिया ना ये चीज, और लोगों की भी ये डिमांड थी कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसे मतलब बाहर क्वेश्चन उठ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे बेशक सलमान ने इस तरीके से जवाब दिया हो, लेकिन रजत शर्मा ने जनता के जो क्वेश्चन उठ रहे थे वो उन्होंने पूछ, लेकिन सलमान ने जिस तरीके से इस बार सीजन में बाहर की चीजें लाई हैं उनसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो रश्मि देसाई के लिए फिर भी फायदा हुआ है। अगर हम बाकियों को देखें, छोड़ दें और रश्मि को देखें, तो कहीं ना कहीं रश्मि जो अभी तक ब्लाइंडली फेथ कर रही थी अरान खान पर, अब वो फुल ऑन अपने दिमाग में लेके बैठ गई है कि उन्हें कोई रिश्ता नहीं रखना है, क्लियर हो चुके हैं कहीं ना कहीं सलमान की वजह से। सलमान उनके लिए इतने पॉजिटिव
थे कि घर के अंदर तक पहली बार वो इस तरीके से आए हैं, उन्होंने उनको कंसोल भी किया रश्मि देसाई को। तो कहीं ना कहीं सलमान कुछ चीज़ें, हाँ जैसे आसिम के टाइम पर चीज़ें करी वो थोड़ी लोगों को अच्छी नहीं लगी, अजीब लगी। पारस के टाइम पर भी आकांक्षा वाली चीज़ें थोड़ी अजीब लगी, लेकिन रश्मि देसाई के लिए जो उन्होंने किया वो गलत नहीं कह सकते, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ठीक ही था। जिस तरीके से तुम ने आरती के साथ ही प्रपोज कर दिया तो वो सलमान, मुझे ऐसा लगता है कि अगर रश्मि और अरहान का जो मैटर था, अगर वो बाहर भी अगर वो शादी वादी करने जाते तो मुझे नहीं लगता रश्मि इतनी बेवकूफ है कि वो उनके बहकावे में आके और करती चली जाती। शो में ये चीजें अगर सलमान को ये चीजें पता थी तो उन्हें पर्सनली भी चीजें बता सकते थे, मुझे नहीं लगता। लेकिन दर्शकों यहाँ पर बात ऐसी हुई थी क्योंकि सलमान ने खुद इस चीज को कहा था कि अगर आपने नेशनल टेलीविजन पर प्रपोज किया है तो मेरा यहाँ पर फर्ज बनता है कि मैं इसको नेशनल टेलीविजन पर ही, अगर मुझ तक कोई बात आ रही है तो मैं इसे क्लियर करूँ। इस वजह से यहाँ पर सलमान ने कुछ बातें यहाँ पर रश्मि देसाई को बताई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सलमान के पास ये सब बातें उनके पास आई थी जो कि अरहान को लेकर बाहर से चली आ रही थी। हाँ, अरहान पे बहुत ज्यादा मतलब आरोप भी लग रहे थे जो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड को ये आई थी, तो उस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है अगर रश्मि का उन्होंने घर में ऐसे साथ दिया और उन्होंने ये चीजें बताई तो उनके लिए अच्छा है। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन रश्मि के अलावा जो तीन लोगों के बारे में उन्होंने उनकी पर्सनल बातें की हैं तो उसकी वजह से उनका गेम थोड़ा डगमगा गया था। बिल्कुल। तो प्रशांत, यहाँ पर रश्मि देसाई की तो बात हो गई, यहाँ पर हम बात करेंगे कि सिद्धार्थ शुक्ला को हमने अभी तक देखा है कि उनके उनसे जो भी सवाल किए जाते हैं या तो वो सलमान करे या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मीडिया ने आके किए थे या फिर अब रजत शर्मा जो आकर सवाल कर रहे हैं, उनका टॉपिक हमेशा कॉमन ही रहा है अग्रेशन को लेकर। कुछ ज़्यादा अग्रेशन से ज़्यादा बढ़कर उनसे कोई सवाल नहीं किए गए जिससे कि सिद्धार्थ शुक्ला फंस जाए, या फिर उनसे वैसे कोई सवाल नहीं किए जिससे उनकी कोई पोल खुले, उस तरह के कोई सवाल नहीं किए गए। जबकि आसिम से, पारस से कई तरह के उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर सवाल किए गए, इस बार भी नहीं लगता है कि रजत शर्मा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर वही है कि आखिर मनीषा शर्मा का चैप्टर क्यों नहीं खोला गया, क्यों नहीं कहा गया कि, और जबकि कलर से ही जुड़ा हुआ है कलर की, हाँ कंटेंट हेड को लेकर के भाई तुम्हारे को बहुत बायस्ड बाहर बोला जा रहा है, लोग तुम पे बायस का आरोप लगा रहे हैं, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, इस तरीके से कोई चीज़ें अगर वो बोलते तो शायद सिद्धार्थ के फेस एक्सप्रेशन से कुछ पता चलता कि हाँ मेरी चीज़ें रिवील हो रही हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन उनसे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा, लगातार एक ही बोरिंग चीज़ के एग्रेशन एग्रेशन एग्रेशन, मतलब एग्रेशन हम देख भी रहे हैं और क्वेश्चन भी सिर्फ एग्रेशन के पूछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि सिद्धार्थ को लेकर के तो एक रेखा खींच रखी है कि उस दायरे से आगे, हाँ इससे आगे जाना ही नहीं है, तो वहीं तक वो बने हुए हैं। और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि अगर सिद्धार्थ शो जीत जाते हैं तो बिग बॉस पर फिक्स्ड का और स्क्रिप्टिंग का डेफिनेटली आरोप लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से यही नाम लिया जा रहा है कि सिद्धार्थ जीत जाएंगे, सिद्धार्थ को कुछ नहीं कहा जाता। अभी तुमने रिसेंटली भी देखा होगा घर में एक टास्क हुआ था जिसमें चाबी उठा करके जो बाकी के तीन लोग थे उनमें से किसी एक को इम्यूनिटी देनी थी, तो उसमें भी तुमने देखा था कि जब रश्मि और आसिम जिस तरीके से कर रहे थे तो बिग बॉस ने काफी बार रोकने की कोशिश करी, और जब उन्होंने बोला भी कि बिग बॉस ऐसे थोड़ी ना होगा हमारी बारी पर ही क्यों, तो बिग बॉस ने उनसे नाराज हो गए कि तुम ऐसे कैसे सवाल खड़े कर सकते हो। फिर उसके बाद भी सिद्धार्थ शुक्ला नहीं माने, उन्होंने जिस तरीके से हाथ करा रश्मि को लग भी गई, तो मतलब सिद्धार्थ शुक्ला की बारी पे तो कुछ कहा ही नहीं जाता। और दोस्तों बिग बॉस 13 का ये आखिरी हफ्ता है और बिग बॉस के घर में लगने वाली है रजत शर्मा की अदालत। रजत शर्मा की अदालत यहाँ पर लगेगी। हमने देखा है कि रजत शर्मा जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से पोल खोलते हुए नजर आते हैं अपने शो में, क्या वो बिग बॉस के घर में भी कंटेस्टेंट्स के साथ ऐसे ही पोल पट्टी खोलते हुए नजर आएंगे या नहीं, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमने दोस्तों देखा हमेशा से कि घर में तीन चीज काफी ज्यादा फेमस रही है, जैसा कि हमने देखा है कि सिद्धार्थ शुक्ला का अग्रेशन है, शहनाज गिल का फ्लिप करने का जो उन्हें टैग मिला हुआ है, दूसरा या तीसरा हमने देखा है कि आसिम रियाज का पोक करना। ये तीनों चीज काफी ज्यादा फेमस रही है और घर में हॉट टॉपिक बनी हुई, और पूरा सीजन इन्हीं तीनों के इस मुद्दे को लेकर निकल चुका है। तो इसी मुद्दे को लेकर हो सकता है यहाँ पर रजत शर्मा कुछ क्लास लगाए, क्या लगता है प्रशांत? बहुत ज़्यादा ही, जैसे कि आपकी अदालत हम लोग देखते ही हैं कि किस तरीके से जो रजत शर्मा है वो सवाल करते हैं, जैसे कि इंडिया टीवी पर ये शो आता भी है, किस तरीके से वो चाहे वो पॉलिटिकल्स हों चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों तो सभी की वो वाट लगा देते हैं। वो बिग बॉस के घर में आ रहे हैं और बिग बॉस के घर में आते के साथ ही वो अपने जो सवाल हैं वो दागेंगे उन्हीं कंटेस्टेंट्स के ऊपर जो कि फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं, जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला जो हैं उनका एग्रेशन ही लगातार पूरे सीज़न में सुर्खियों में रहा, बार बार एग्रेशन कर देना,
हर चीज के ऊपर गुस्सा कर देना, चीजों को खराब कर देना, एग्रेशन में गालियां निकालना, धक्का मुक्की करना, तो ये सारी चीजें जो है इन चीजों को लेकर के जर्जा शर्मा जो है वो शुक्ला जी की जमकर वाट लगाने वाले हैं, उनसे क्वेश्चन भी करने वाले कि आखिर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है। इस चीज के ऊपर काफी चीजें क्रिएट होंगी। इसके बाद शहनाज गिल, जिन्हें फ्लिप का टैग मिला हुआ है, जो हर हफ्ते कभी इधर कभी इधर फ्लिप की तरह चेंज होती ही रहती हैं, उस चीज को लेकर के भी रजत शर्मा उनसे सवाल उन पर सवाल दागेंगे कि आखिर तुम क्यों फ्लिप होती हो, जानबूझ करके फ्लिप होती हो या तुम्हारी गेम की स्ट्रेटेजी है। तो कहीं ना कहीं शहनाज की भी वो वाट लगाने वाले हैं, पटकार लगाने वाले हैं। इसके अलावा आसिम रियाज, जिनके ऊपर हमेशा से ये आरोप लगता आ रहा है कि वो शो में बने रहने के लिए और दिखने के लिए पोक करते हैं, और सबसे ज्यादा सिद्धार्थ शुक्ला को वो पोक करते हैं जिस तरीके से, इवन झूठ भी वो बोलते हैं, काफी सिंपति गेन करने की कोशिश करते हैं सामने वाले के जरिए। तो कहीं ना कहीं जो रजत शर्मा है वो आसिम को भी काफी फटकार लगाने वाले हैं, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। इनके साथ साथ थोड़ा बहुत बाकी के घर वालों को भी वो सुनाएंगे, लेकिन हॉट टॉपिक यही है कि सिद्धार्थ, आसिम और शहनाज, इनकी जमकर फटकार लगने वाली है।